हेलो बच्चों, आज हम एक शॉर्ट डाइपोल छोटे डाइपोल के कारण किसी और पॉइंट पर कितना फील्ड बनता है इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एट एनी अदर पॉइंट मीन्स द पॉइंट नाइदर लाई ऑन द एक्सिस नॉर ऑन द इक्वेटर। ना वो एक्सिस पर है ना वो इक्वेटर पर है, वो कहीं और स्थित है। ऐसे किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटा डायपोल प्रोड्यूस करेगा हम उसके लिए यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए वी हैव ए शॉर्ट डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट पी है। इसके मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर, थीटा एंगल जीरो हो जाए तो एक्सिस पर आ जाएगा, थीटा 90 तो इक्वेटर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ना तो थीटा जीरो है ना थीटा यहाँ पर 90 कुछ और है। तो इस आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट कैपिटल पी हमें यहाँ फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा ये मालूम करता है। डायपोल बहुत छोटा है और इसकी लेंथ की कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये मान के चलते। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पाने के लिए हम पी की वेक्टर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। द डायपोल मोमेंट पी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसलिए हम इसका किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं। तो चलिए एक कंपोनेंट हम लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो इन दिस डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ पी विल बी इक्वल टू पी कॉस थीटा। तो इस पी का दूसरा कंपोनेंट इस आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पी का दूसरा कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा। सो इन दिस वे वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ पी, वन अलोंग आर एंड अनदर अलोंग परपेंडिकुलर टू आर। सो वी कैन इमेजिन दैट वी हैव टू डायपोल्स, वन ऑफ द डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा and secant of the dipole moment P sin theta placed at right angles with each other, दोनों एक दूसरे के perpendicular रखे हुए हैं। एक dipole P cos theta, दूसरा dipole P sin theta dipole moment के हैं और दोनों एक दूसरे के perpendicular रखे हुए हैं। पहले dipole P cos theta के लिए point P उसके dipole moment, जैसे कि एक पॉइंट अगर हम इस पी के डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या होता है, ये इस डायपोल के लिए एक एक्सियल पॉइंट होता है। तो ऐसे ही पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट पी एक एक्सियल पॉइंट है, बट फॉर पी साइन थीटा द पॉइंट पी इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट क्योंकि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो दोनों के कारण कितना कितना फील्ड बनेगा हम यहाँ से मालूम करें। तो P cos theta के लिए तो पॉइंट P एक्सेल पॉइंट है और इसलिए जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अपने ही P की डायरेक्शन में यानी R की डायरेक्शन में होगा। सपोज ये P1। दूसरा जो डायपोल है जिसके लिए कि वो पॉइंट P एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, जो भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने P के अपोजिट, तो इसका P वह इस तरफ जा रहा है तो इसका जो फील्ड होगा इसका ठीक अपोजिट और इसे रहेगा तो आर के परपेंडिकुलर। सो एट द पॉइंट बी यू हैव नाउ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 एंड E2 जस्ट एट राइट एंगल्स विद ईच अदर। हम यदि दोनों का रिजल्टेंट मालूम करें तो ये रिजल्टेंट ई यही होगा इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट बी पर प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक।
तो एक्सियल पॉइंट पर एक शॉर्ट डाइपोल कितना फील्ड देता है हमें मालूम है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक शॉर्ट डाइपोल कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है ये सब हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो हम यहाँ से E के लिए E1 और E2 के लिए फॉर्मूला लेकर के उनका रिजल्ट मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री है। तो चलिए लेट डाइपोल मोमेंट टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट फर्स्ट यू कॉस थीटा अलोंग आर sin theta along perpendicular to R and therefore the point P is an axial point for P cos theta and an equatorial point for P sin theta and therefore field at P due to P cos theta। हमने इसे फिगर में इवन कहा हुआ है, तो E1 कितना मिलेगा 1/4πε0 2P की जगह हो गया P cos theta डिवाइडेड बाई R³। तो डिस्टेंस इस डाइपोल से हमने R निकाला है, इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ R, ये R की डायरेक्शन है। इट इज योर इक्वेशन नंबर एंड फेट ड्यू टू पी साइन थीटा इट इज इक्वल टू 1/4πε0 इक्वेटोरियल पॉइंट पर फेट होता है 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यू। तो यहाँ पर पी की जगह हो गया पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू एलॉन्ग परपेंडिकुलर टू आर या प्रोड्यूस करके उसे। तो चलिए हमें दो फील्ड मालूम हो गए E1 भी E2 और एक आर की डायरेक्शन में है एक आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, देयरफॉर E1 इज परपेंडिकुलर टू E2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो फिर रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा एंड देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड E इज इक्वल टू E1² + E2² दोनों के स्क्वायर का सब का स्क्वायर रूट। अब चलिए E1 की वैल्यू ये E2 की वैल्यू ये सब रखते चलिए, तो E√1/4πε0 2π cos θ / r³² + 1/4πε0 पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको जो जो दोनों में कॉमन है उसे बाहर निकालते हैं, स्क्वायर रूट में निकालते हैं। तो देखिए 1/4πε0 का स्क्वायर 1/4πε0 का स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, मैंने बाहर निकाला
तो 1/4 एप्सिलॉन क्यूब, क्योंकि स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों जगह पी बाई आर क्यूब है, यहाँ भी पी बाई आर क्यूब है, यहाँ भी पी बाई आर क्यूब है, पी बाई आर क्यूब का स्क्वायर है, पी बाई आर क्यूब का यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको भी बाहर निकालना। तो पी बाई आर क्यूब तो भीतर बच गया 2 cos थीटा का स्क्वायर, और यहाँ बच गया केवल साइन थीटा का स्क्वायर। एक कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, तो ट्रिग्नोमेट्री सबको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 e/r³ रूट में 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कितना बच गया? 3 cos² कितना बच गया? तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायपोल। तो हमें इतना फील्ड बने। अब क्वेश्चन है कि विच डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो सपोज द रिजल्टेंट फील्ड ई मेक्स एन एंगल अल्फा अल्फा विथ ई वन, एंड विथ ई वन मीन्स विथ आर, आर के साथ में हमारा फील्ड ई मान लीजिए अल्फा एंगल प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो हम इस अल्फा की वैल्यू निकाल लें, तो हमें उसकी डायरेक्शन भी मिल जाती है। तो लेट the field E makes an angle alpha with R. With तो वेक्टर E वेक्टर R के साथ मान लीजिए अल्फा एंगल बनाता है। तो E1 और E2 इस E के दो कंपोनेंट्स हैं। तो E1 कितना होगा? तो E1 E का अल्फा एंगल बनाने वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो E1 विल बी इक्वल टू E1 cos अल्फा, सॉरी E cos अल्फा बाय इक्वेशन 3। एंड सिमिलरली E2 इज द सेकंड कंपोनेंट, तो कितना होगा? E sin अल्फा। तो हमें ई को एलिमिनेट करना है, अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या करेंगे? दोनों को आपस में डिवाइड करें। तो क्या कीजिए? इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कीजिए। जस्ट डिवाइड द इक्वेशन 4 बाई द इक्वेशन 3। और मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड को पहले ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को बाद में ले रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? ई साइन अल्फा अपॉन ई कॉस अल्फा, ई साइन अल्फा अपॉन ई कॉस अल्फा। और राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है? E2 बाई E1। यहाँ से तो E कैंसिल हुआ, और साइन अल्फा और कॉस अल्फा मीन्स टैन अल्फा। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू रेशियो E2 एंड E1। E2 भी हमको मालूम है, E1 भी मालूम है, दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दें। तो E2 हो गया 1/4 pi epsilon 0 पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ E2। और नीचे E1 रखें, तो E1 कितना है? 1/4 pi epsilon 2 p cos θ / r³। अब यहाँ बहुत सारी बातें कैंसिल हो गई, सब कैंसिल कर रही है। 1/4 epsilon 0 कैंसिल, पी कैंसिल, R³ कैंसिल, सो वी हैव साइन थीटा अपॉन 2 cos θ मीन्स 1/2, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा, एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू
tan inverse half tan theta. तो जो फील्ड होगा कितने हैं कल्पना करिएगा. आपको प्रॉब्लम में आर भी आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम में थीटा भी थीटा मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम में पी मिल जाएगा. तो पी मालूम है, आर मालूम है, थीटा मालूम है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैलकुलेट कर सकते हैं. और थीटा हमें मालूम है, इसलिए हम अल्फा की वैल्यू बता सकते हैं. मीन्स वी हैव बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड. सो योर प्रॉब्लम इज कंप्लीट. अब देखिए यहीं से हम एक डायपोल के एक्सिस पर कितना फील्ड मिलेगा शॉर्ट डायपोल के, और एक शॉर्ट डायपोल के इक्वेटर पर कितना फील्ड मिलेगा, उसके लिए आप फॉर्मूला यहां से बना सकते हो. तो केस वन विल पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस. पॉइंट ये है वो एक्सिस पर आ गया, एक्सिस पर आ गया, यहां से चलते चलते यहां आ गया. तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो. देन थीटा इक्वल टू जीरो. अरे थीटा जीरो हुआ तो कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गया वन. और कॉस थीटा की वैल्यू हम वन रख दें तो फिर ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी. देन ई विल बी इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू रूट वन प्लस टू. तो वन प्लस थ्री फोर, फोर का रूट निकला टू, सो इट इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो टू पी अपॉन आर क्यू, टू पी अपॉन आर क्यू. और याद करना कि एक शॉर्ट डायपोल के एक्सिस पर इतना ही तो फिट होता है, ये भी हमको मालूम होगा. सेकंड केस, a point lies on equator. क्या आपका पॉइंट इक्वेटर पर है, यहाँ है, इस लाइन पर है. इक्वेटर पर आ गया तो थीटा की वैल्यू 90 होगा. देन थीटा इक्वल टू 90 एंड देयरफॉर cos थीटा बिकम्स 0. तो cos थीटा 0 मिला और cos थीटा ने 0 मिला तो फिर ई कितना बच गया, वन बाई फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन आर क्यू, क्योंकि ये तो 0 हुआ, केवल बचेगा वन, वन का रूट बन ही रहेगा कितना. तो इस तरह से एक जनरल फॉर्मूला हमको मिल गया जिससे कि हम कहीं भी हो पॉइंट, कहीं पर भी एक शॉर्ट डायपोल के कारण हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं. न केवल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं यहाँ से, उसके डायरेक्शन भी आपको मालूम हो सकती है. कभी कभी ये डायरेक्शन आर के साथ ना पूछ करके पी से पूछ लेते हैं. तो जरा पी के साथ कितना एंगल बनेगा ये निकालते हैं. तो एंगल ऑफ द फील्ड एट पी विथ द डायपोल मोमेंट. तो फील्ड पी है, पॉइंट पी पर जो फील्ड बना है वो हमारे डायपोल मोमेंट से कितना एंगल बनाता है, ये जानने के लिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं. तो मान लीजिए कि एंगल बनाता है थीटा, इसी एंगल थीटा. तो इस ट्रायंगल में ये अपोजिट एंगल हो गए, अल्फा ये है डिग्री अल्फा हो जाएगा. तो बीटा क्या बना, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल. और एक्सटीरियर एंगल सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है. आपने ये थ्योरम पढ़ रखा है. तो लेट दिस एंगल इज बीटा, देन बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा. बीटा जो होगा अल्फा थीटा के सम के बराबर होगा. अल्फा कितना है तो अल्फा कितना है, सो बीटा इज इक्वल टू
मैं इसको पहले ले लेता हूँ, थीटा प्लस अल्फा, अल्फा मिल गया इतना, टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। तो आर के साथ कितना एंगल कम कर दिया ना, पी के साथ कितना एंगल कम कर दिया, तो हमको हमारे एक्टिविटेड ई का पी के साथ कहें या आर के साथ कहें किसी के साथ भी एंगल मालूम कर सकते हैं, मतलब डायरेक्शन हमको मालूम हो गया, फील्ड भी मालूम हो गया, सारी बातें हमने इस तरह से एक डायपोल के लिए किसी और पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, एक डायपोल का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे कैसे अट्रैक्शंस होते हैं ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।